कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। देखिए आज जो आंदोलन ये राज्यव्यापी आंदोलन कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे इंडिया में हो रहा है, उसका कारण ऐसा है कि जो हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दिया था अदानी कंपनी के गैर व्यवहार के बारे में, जिसकी वजह से ऐसा पता चला है कि अदानी समूह को विशिष्ट वो कंपनी को मदद करने के लिए गवर्नमेंट ने आउट ऑफ द लिमिट जाके LIC जैसी कंपनी जिसके करीबन 29 करोड़ उनके ग्राहक है और SBI जैसी कंपनी जिसके 49 करोड़ ग्राहक है, ये लोगों का पैसा जबरदस्ती से इस गवर्नमेंट ने अदानी समूह में लगाने के लिए इन कंपनी को फोर्स किया गया है, ये माहिती आई हुई है। और इसके वजह से एक अपने दोस्त को बचाने के लिए सर्वसामान्य का जनता ये दोनों कंपनी का अगर आप पैसा देखेंगे तो करीबन 80,000 करोड़ रुपया आज सर्वसामान्य लोगों का जनता ये LIC जैसे ये LIC और SBI इस देश की शान है, इस देश के बहुत रेस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन से इनको इसमें ढकल के इन कंपनी के एम्प्लॉयज़ को इस कंपनी का फ्यूचर का लोगों का पैसा ये मुश्किल में डालने का काम ये गवर्नमेंट कर रही है। इसके लिए आज इतनी ये सतर्क है गवर्नमेंट की कोई एक छोटा सा कुछ सर्वसामान्य आदमी कर दे तो उसके ऊपर इंक्वायरी लगा दी है ED की। और आज इतना बड़ा अगर घोटाला हो रहा है, आज हमारे सारे सांसद सन्मानीय राहुल गांधी जी ने तो ये 10 साल पहले से बोला था कि ये कंपनी घोटाला करेगी, इस पर ध्यान रखो। और आज हमारे सर्व सांसद ने पार्लियामेंट में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इन्वेस्टिगेशन की मांग की है, जिसको कोई भी भाव ये गवर्नमेंट दे नहीं रही है। तो आज जो हम लोग इधर सब जगह जमे हैं, आज उल्लासनगर में उल्लासनगर सर्व पदाधिकारी के माध्यम से हम लोग इधर जमे, इसका कारण ऐसा है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है इसमें सर्वसामान्य लोगों का पैसा है, मध्यम वर्गीय लोगों का पैसा है, व्यापारियों का पैसा है, ये पैसा धोखे में नहीं आना चाहिए। इसके लिए हम लोग इसका विरोध करने के लिए उठे और हमारी जो प्रमुख मांगे यही है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित होनी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अंडर में इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो संसद में उस पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा इन लोग ले नहीं रहे। आप सर्वसामान्य जनता का पैसा कैसा सुरक्षित करोगे, जो 80,000 करोड़ आज धोखे में गया है उसको कैसा सुरक्षित करोगे, इसके लिए ये हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से सन्मान्य नाना भाऊ के अध्यक्ष के देखरेख में और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी रहेंगे, राहुल गांधी जी रहेंगे, ये सभी लोग इस सर्वसामान्य जनता के लिए रस्ते पे उतरे हैं और ये लड़ाई इसके आगे भी इसी तरह। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें।